आत्मा, विश्व की आत्मा परमात्मा, और यह विश्व उसी परमात्मा की मूर्ति है। वह अव्यक्त जिस माध्यम से मूर्त हुआ है, वह अमूर्त को आप मूर्त के रूप में देख सकते हैं जिस माध्यम से, उसको मूर्ति कहते हैं। हमारे यहां साधु महात्माओं को भी मूर्ति कहने का रिवाज है। किसी आश्रम में जाएंगे और कहेंगे कि बाबा जी भंडारा कराना है महात्माओं का, आश्रम में कितने मूर्ति हैं। हम सभी मूर्ति ही है, यह शरीर मूर्ति है, क्योंकि इस शरीर के रूप में अव्यक्त आत्मा जो है वो मूर्त हुई है। आत्मा अमूर्त है, अव्यक्त है, नित्य है, अव्यय है यानी अविनाशी, लेकिन इस शरीर के रूप में वो मूर्त हुई है, इसलिए ये भी मूर्ति। जिस तरह से आपकी आत्मा आपके शरीर के माध्यम से मूर्त हुई है, उसी प्रकार वह समष्टि चेतना परमात्मा विश्व के रूप में मूर्त हुए हैं। इसलिए यह विश्व परमात्मा का शरीर है, यह विश्व परमात्मा की मूर्ति है। जिस प्रकार आपने इस शरीर को धारण किया है, भगवान ने इस विश्व को, अनंतानंत ब्रह्मांड को धारण किया है, जिस प्रकार आप शरीर के रूप में अभिव्यक्त हैं, उसी प्रकार विश्व के रूप में परमात्मा अभिव्यक्त है। इसलिए विश्व को हमने परमात्मा का ही रूप माना है।